हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे हम कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का सम करेंगे। सम नंबर 10 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। दे 3 कार वर सोल्ड टू एन एजेंट फॉर रुपीज 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ कमीशन वर 17.5% ऑन द फर्स्ट, 12.5% ऑन द सेकेंड। इफ़ द एजेंट गेट ओवरऑल कमीशन, दैट इज कमीशन रिसीव होगा 14% ऑन द टोटल सेल्स। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन बोला है, ठीक है। यहाँ पे 3 कार सेल होगा जिसका आपको सेलिंग प्राइस गिवेन है 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000। यहाँ पे 2 कार का कमीशन रेट गिवेन है, एक 17.5 गिवेन है फर्स्ट कार का और 12.5 सेकेंड कार का गिवेन है। और यहाँ पे बताया कि टोटल कमीशन कितना मिलता है 14%। तो आपको बताना है कि तीसरे कार पे कमीशन रेट कितना मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट वन कि जो फर्स्ट कार से कमीशन मिलेगा एजेंट को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट कार, ठीक है। कमीशन गेट ऑन फर्स्ट कार ऐसे लिख लेते, चलो। कमीशन ऑन फर्स्ट कार, तो यहाँ पे कमीशन देख लेते फर्स्ट कार का कितना मिलेगा। तो कमीशन निकालने के लिए कमीशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, सेलिंग प्राइस इक्वल्स कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार का गिवन है 2,40,000 और उसका हम क्या करेंगे 17.5% निकालेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मुझे आंसर मिल गया 42,000, ये फर्स्ट कार का कमीशन मिल गया। अब आते हैं हम सेकेंड कार पे, ठीक है। और सेकेंड कार का अभी यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस सेकेंड कार का 2,22,000 और कमीशन रेट गिवन है, यहाँ पे मैं कमीशन रेट लिख लेता हूँ, 12.5% आपको कमीशन रेट गिवन है। तो यहाँ पे मैं अभी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कमीशन ऑन सेकेंड कार, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, सेलिंग कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, ये आपके पास फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि आप फॉर्मूला वन टाइम लिख दिए मैथ्स में, तो दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 2,22,000 इंटू 12.5 अपॉन 100। तो अभी क्या करना है, 2,22,000 का आपको 12.5% निकालना है। तो देखते कितना आता है, 27,750 ये आपको आ जाएगा कमीशन सेकेंड कार का। अभी हमें थर्ड कार का सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें कमीशन रेट नहीं गिवन है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है कि थर्ड कार का जो कमीशन रेट होगा ये कितना होगा, और हमें गिवन है टोटल कमीशन गिवन है, ठीक है। तो टोटल कमीशन जब हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट वन टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्योंकि जो मैं कमीशन निकालूंगा वो मैं किस पे निकालूंगा, टोटल सेलिंग प्राइस पे निकालूंगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे हम कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें तीनों कार का प्राइस गिवन है। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार प्लस सेलिंग प्राइस सेकेंड कार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस सेलिंग प्राइस थर्ड कार, ओके। तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो मुझे गिवन है, फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो 2,40,000 का गिवन है, और जो सेकंड गिवन है 2,22,000 का सेलिंग प्राइस गिवन है।
और थर्ड वन है 2,25,000। तो तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखता हूँ मुझे कितना अमाउंट आएगा। तो आप लोग भी ऐड करके देख लो कितना आएगा आपके पास अमाउंट, 6,87,000। ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया मेरे पास। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टोटल कमीशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। टोटल कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस ठीक है, तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला आएगा सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6,87,000, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ कमीशन की मैंने 14%। तो यहाँ पे मैं 6,87,000 का मैं 14% कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट आ गया 96,180 ठीक है, ये मुझे आ गया टोटल कमीशन। अब मैं क्या करूँगा, टोटल कमीशन के बेस पे मैं तीसरा जो कार का कमीशन रेट था ये फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ थर्ड कार का कमीशन रेट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, टोटल कमीशन इक्वल फर्स्ट कार कमीशन, या तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे टोटल कमीशन गिवन है 96,180। फर्स्ट कार का हम देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट कार का हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, 42,000, और सेकंड कार का कितना फाइंड आउट किया है हमने, 27,000। चलो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट कार का रेट जो कमीशन मिला है 42,000, और सेकंड कार का मिला मुझे 27,750। ओके, और थर्ड कार का मुझे गिवन नहीं है, तो थर्ड कार का मैं कमीशन ऐसे रखूँगा, तो कमीशन ऑन थर्ड कार, या देखिए हमें थर्ड कार का कमीशन फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, अभी मैं ये दोनों अमाउंट को प्लस कर लूँगा और इससे माइनस कर दूँगा। तो चलिए हम इसको प्लस करके माइनस कर देते हैं, इस दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दिया, तो मुझे अमाउंट आ गया 26,430 इक्वल्स टू कमीशन ऑन थर्ड कार। ओके, यहाँ पे मुझे कमीशन फाइंड आउट करना है, यानी कि कमीशन रेट फाइंड आउट करना है। तो मैंने इससे पहले वाले एक सम में बताया था कि जो रेट ऑफ कमीशन होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ कमीशन ठीक है, ये हमेशा परसेंटेज में होता है सेलिंग प्राइस पे। थर्ड कार का जो सेलिंग प्राइस है वो 2,25,000 है। अब मैं यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास अमाउंट कितना है, 26,430। 225 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 26,430 डिवाइड बाई 2,250 यानी 2,250, और यहाँ पे मुझे रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2,250 से 11 पॉइंट, यहाँ पे मुझे आंसर आ गया 11.75, ये रेट ऑफ कमीशन मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इक्वल टू 11.75%।
तो ये हो गया मेरे लिए सॉल्यूशन, ठीक है, जो मैंने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। आपको कहीं लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।